बनने के लिए और लोगों का आवाज उठाने के लिए, और बखूबी ये हो रहा था। इन्होंने पैसे में इन लोगों ने अपने ईमान का सौदा कर लिया और हमारे इलाका के सीमांचल के अवाम के साथ गद्दारी किया और लोगों को बेचने का काम किया। इसीलिए यहाँ के अवाम कभी माफ नहीं करेंगे गद्दारों को। देखिए, राजनीति में इस तरह की हरकत करना ये अच्छा नहीं है, काबिले बर्दाश्त है। जिस पार्टी में था उस पार्टी में रहना था, उस पार्टी में लगन और सिर से काम करना चाहिए था। बात दरअसल ये हुआ कि इन लोगों को अगर पार्टी ही चेंज करनी थी तो कम से कम दो चार साल रहते, चार साल रहने के बाद अगर ओवैसी साहब कुछ नहीं करते सीमांचल के अंदर में, उसके बाद पार्टी बदल लेते तो हम लोग भी कहते कि भाई ओवैसी साहब कुछ नहीं किया तो पार्टी बदल लिया। इसलिए ये लोग क्या सोचा कि हम लोग पैसा भी ले लेंगे, पार्टी भी चेंज करेंगे, पब्लिक भी हमारा हो जाएगा। पब्लिक किसी का बाप का गुलाम नहीं है कि वो हमेशा उसी का रहेगा। कल था आज नहीं है, फिर आने वाला वक्त में जो होगा वो पब्लिक उसका मुंह पर जवाब दिया जाएगा। ओके सर। ये वोट किसी का बाप का जागीर नहीं है जो हमेशा उसके लिए बना रहेगा। पार्टी बदलने को दिक्कत है। बम्बई बारे बोलूं? बम्बई बारे, बम्बई का विधान जो 50 करोड़ रुपया करके बिक रहा है, जहाँ महंगाई का समुद्र में आदमी डूब रहा है। 5 रुपए का बिस्कुट 10 रुपए में बिक रहा है, साबुन 10 रुपए का साबुन 20 रुपए में बिक रहा है। ये महंगाई कहाँ से? पब्लिक को लूटा जा रहा है, 50 करोड़ का खरीदा है पब्लिक को। सब जाके आसाम में यासी करता है, मौज करता है विधायक सब। गोली मार देंगे एक विधायक को, एक विधायक को 50 करोड़ में खरीदा, 10 विधायक को 100 करोड़ में खरीदा है बम्बई का विधायक को।